आज हैदराबाद कासमाबाद में वकार टाउन लग एडवोकेट नसरीन कादरी पारा गैर कानूनी अदावतों राह पटकर आई हुई हूँ। मलबो खनन जो सिलसिलो जारी है, इन मौके ते असिस्टेंट कमिश्नर कासमाबाद गदा हुसैन सूमरो, डीएसपी आगा अब्दुल मजीद, मुख्तियारकार कासमाबाद, पुलिस रेंजर्स जा वा अटाला भी पिण मौजूद हुआ। रिपोर्ट गुलाम हुसैन चांडियो मुताबिक एडवोकेट नसरीन कादरी दम न्यूज से गालाइंदे बुधायो त जवाबदार धुर पारा मुख्य धमकियों थ्रेड किया वेंदो है। ही हाईकोर्ट जो हुक्म है जैं ते ही इंक्रोचमेंट थी रही है। बटे नहीं पेरी सोरा थे करे पिया वो इन्हें पाड़े वारन पाने चाहिए था सा ये बाकी देखे हुआ है किचरो बिचरो पानी खड़े था सी असा इन्हें के टाइम भी दिनों सी इन्हें कुछ न कहो ही देखे इन्हें बाकायदा इंक्रोचमेंट दिलाए है मुख्य एडी तकलीफ है यही है पंजा कोर्ट जा मामले हैं कोर्ट जा ऑर्डर्स हैं न को पर्सनली है न को जा सो अज वरी ही आया हैं इन्हें जे करें किचरो नथा खड़न न एडी मुते हमला कंदा था रहन रात भी हमला पे कन उनके बावजूद असान शरीफ बाड़ू कोर्ट जा मामला हैं कोर्ट जे लाए असान जे कोई हूँ बैठा हूँ कोर्ट जा ऑर्डर पे कोर्ट जा थ्रेट्स बिल्कुल उनके बावजूद मां अकेली बैठे हैं ही सजिए सबनिन के बिहारे मिट माइटन के सबन के बिहारे इतने बैठा हूँ दे असान दे ला जे मुताबिक पहले उन कोर्ट जे बताएं कोर्ट जो जेको ऑर्डर है उन्हें ते ओ बे पैकिंग पर हिंदन तो डाढ़ो तंग कियो है वाकई ये हकीकत है ये सजा प्लॉट मुझो है सब का पहले इन जो ट्रिब्यूनल में मैडम नसरीन एप्लीकेशन कई उन ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कयो तो इंक्रोचमेंट आ इनके हटायो उन अपील में ही हाईकोर्ट में व्या अदर पार्टी जेका है हाईकोर्ट भी जेको आ सो अपील रखियो ट्रिब्यूनल जो जेको फैसलो हो उन अपील में आ सुप्रीम कोर्ट में वो अजा तीन पेंडिंग में आन का भी स्टे वगैरह को आयल आजे कर कोर्ट सगोरी असा हुकुम किया तो असो ऑर्डर पास थल ट्रिब्यूनल जो उन तमिल करा उन तमिलत में कोर्ट के ऑर्डर से अस इंक्रोचमेंट हटा पाया रेबीज आन।